तो ऐसा आग लगा के नारद जी महाराज निकल लिए। अब भगवान भोलेनाथ जी की समाधि खुली। भगवान भोले बोलिए शंकर भगवान की। तो भोले जैसे नारद जी महाराज को जाते देखा तो नारद जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और बोले, शंकर जी ने बोला, अरे महाराज, नारद जी कैसे, बहुत जल्दी क्यों, थोड़ा रुकिए ना। बोले, नहीं महाराज, बहुत जल्दी में है और मैं तो इसलिए यहाँ से गुजर रहा था, भवानी ने आपको, माँ जगदम्बा ने आपको याद किया है, तो मैं सोचा आपको समाचार देते हुए चला जाऊं। भगवान सिर्फ समझ तो गए कि भाई आप वहाँ से आए हैं तो जरूर याद किया ही होगा, क्योंकि नारद जी जहाँ जाए वहाँ उत्पात ना हो ऐसा तो संभव नहीं है, सोच लिए थे। तो जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो भवानी तो बस वही अपने स्वरूप समझ में जाता है ना, आदमी कितना प्रसन्न है, कितना दुखी है, कितना किस भाव में, कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले परंतु मुखमंडल की आभा कहीं ना कहीं दर्शा देती है कि दिमाग में क्या चल रहा है। तो बोले, बात मत करो। तो बोले, देवी आप प्रथम बार जीवन में आप ऐसा हमको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अरे बोले महाराज, आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई थी ना, अब समझ गई हूँ। तो बोले, क्या समझ गई हो देवी। अरे बोले, आप इतना छल कपट करते हो मेरे साथ में। तो बोले, देवी हमने क्या कपट किया आपके साथ, बताओ तो सही। मतलब हम समझ गए हैं कि नारद जी ने पक्का आपको भड़काया है, कुछ ना कुछ बोला है हमारे बारे में। तो बोलते हैं, नारद जी ने भड़काया नहीं है, अरे नारद जी महाराज तो हमारे गुरु हैं। कोई भी गुरु अपने शिष्य का अहित नहीं कर सकता, गलत दिशा नहीं दे सकता। कोई भी शिष्य हो, सामान्यतः गुरु शिक्षा प्रदान करने वाला भी होता है, तो नारद जी तो परम गुरु हैं, वो ऐसा कैसे कोई बात बोलेंगे मनमानी। तो बोले, नारद जी ने तो मेरी आज आंखें खोली हैं, अब तक तो मैं भूल में थी, सबको बताया करते थे मेरे भगवान ऐसे हैं, भोले भाले हैं, बड़े सीधे साधे हैं। बोले, भूल थी मेरी। तो बोले, देवी बताओ तो हुआ क्या है। तो बोली, ये बताओ महाराज, ये जो आप तमाम नरमंडों की माला पहने हैं, ये क्या है, किसके हैं, और आपने आज तक हमको इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो देवी, तुमने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। अरे तो बोले, आपको तो बताना चाहिए ना। चलो, तो भगवान बोले, चलो ठीक है, क्षमा करो, गलती हुई, गलती हमारी ही है। अब तो भगवान ही प्रसन्न हो गई, चाहती है कि कोई भी माता ये चाहती है गलती भी करे और माफी भी मंगवाए, स्वभाव होता है। तो बोले कि चलो। तो बोले, देवी देखिए, ये जो मैं नरमुंड माला धारण किया हूं, ये किसी और की नहीं, आपके ही समस्त मुंड हैं। जब जब आप अपने इस शरीर को त्याग करती हैं और नव शरीर धारण करती हैं, तब तब मैं आपके विरह में इतना व्यथित हो जाता हूं, इतना दुखी हो जाता हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो आपके सर को, आपके इन मुंडों को ही एक निशानी के तौर पर, एक चिन्ह के तौर पर, एक छाया के तौर पर मैं अपने हृदय से सदा सर्वदा लगा के रखता हूँ। अब बोलो देवी, अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण मैं अपने प्रेम का तुमको दे सकता हूँ। अरे बोले महाराज, मतलब ये जो मुंड आप पहने हुए हैं, ये सब मेरे मुंड ही हैं। हाँ बोले, सब आपके ही मुंड हैं। तो मतलब मैं इतने बार मर चुकी और पैदा हो चुकी और तुमको कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं ही मरूं, मैं ही मरती हूं, आप नहीं मरते कभी। तो बोले, नहीं देवी हम, तो बोले आप क्यों नहीं मरते महाराज। तो बोले, हमने अमर कथा सुनी है।
तो बोले अमर कथा सुनी है। तो बोले आप हमको भी अमर कथा सुनाइए। तो जब अमर कथा और वो अमर कथा कुछ और नहीं, यह जो भगवान के लीला चरित्र होते हैं, जो रामायण आदि जितने भी ये सब ग्रंथों में वर्णन आता है, वही अमर कथा होती है। भगवान की लीला चरित्र जो भगवान अवतार लेते हैं, अमर कथा वही अमर कथा है जो यहाँ श्रीमद् भागवत के रूप में हमको प्राप्त हुई है। तो जब यह बात पार्वती माता ने सुनी, तो कथा सुनने के लिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान, क्योंकि हम सदा सर्वदा आपका संग सानिध्य चाहते हैं, इसलिए हम कथा इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं कि हमको जीना है, क्योंकि हम जब भी सदा सर्वदा आपके ही चरणों में हमारा अनुराग रहे, इस कारण से हमको यह भगवान की कथा अमर कथा श्रवण करनी है। तो बोले देखिए चलो देवी, आज हम आपको यह अमर कथा सुनाते हैं, परंतु इतना ध्यान रखो कि यह कथा बहुत गूढ़ है, यह सबके लिए नहीं है। तो पहले तुम देख के आओ कहीं कोई और व्यक्ति तो नहीं सुन रहा है, कोई अपात्र के कान में तो नहीं जा रही है। तो भवानी माता ने समस्त चहों दिशाओं में दृष्टि डाली, परंतु उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा शुक का अंडा, तोते का अंडा दिखाई पड़ा। तो भवानी माता को लगा कि यार ये तो अंडा है, इससे क्या होगा, ये तो निर्जीव है। तो ध्यान नहीं दिया माँ भगवती ने, और भगवान शंकर ने डम डम डमरू का नाद किया, तो जितने भी जीव जंतु थे सब वहां से पलायन कर गए, भाग गए। परंतु अब अंडा, अब वो कहाँ जाएगा, वो जैसा था वैसे ही पड़ा रहा। अब भगवान ने श्री राम श्री कृष्ण कथा सुनाना, भगवती को अमर कथा प्रारंभ की। तो जैसे जैसे कथा में गांभीर्य आता है, तो उसके साथ साथ निद्रा भी बड़ी प्रबल होती है। वैसे भले आदमी की नींद ना आए, परंतु जहाँ जब कथाएं होती हैं, कुछ अच्छा प्रसंग आता है, तो बैठे बैठे ही आदमी एकदम निद्रा का थोड़ा बहुत आनंद तो ले ही लेता है, कोई भी कहीं भी बैठा हो। तो अब भवानी का भी यही, तो भगवान भोलेनाथ की शर्त थी कि देखो हम आपको कथा तो सुनाएंगे, परंतु आपको हुंका देना पड़ेगा। जो कथाएं होती थी पहले, किस्सा कहानी नहीं बोलते थे, तो बोलते थे कि भैया हम कथा सुनाएंगे तो तुम हुंकार ही करना। एक राजा था, फिर उसका बहुत बड़ा राज्य था, फिर उसका विवाह हुआ, हाँ ऐसा जो हुंकारी होती, तो बोले हुंकारी आपको भरना है ताकि कथा चलती रहे, और जहां आपने हुंकारी हरना बंद किया तो हम यह कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो जब अच्छा एक कहीं कुछ प्रसंग चल रहा था, बहुत गंभीर रहस्य भगवान का, तो माँ जगदम्बा धीरे धीरे हूं करते करते बस आराम पे पहुंच गई माता जगदम्बा। तो उसी अमर कथा के प्रभाव से धीरे धीरे उस शुक पिंड में, अंडे में शक्ति का संचार होने लगा। उस अमर कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट गया और सुख के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। तो जब वह सुख रूप में अंडा उत्पन्न हो गया, अंडा फूट गया, और उससे एक पक्षी प्रकट हो गया जो सुख स्वरूप होता हुआ, तो अब अमृत कथा के प्रभाव से, अमर कथा के प्रभाव से वह बिल्कुल एकदम उत्पन्न होती ही वो अपना जो स्वरूप होता है बिल्कुल उसी स्वरूप में आ गया, अर्थात बढ़ता जा रहा है, बड़ा हो रहा है, जितनी जो उसकी
अपना शरीर का उसका स्वयं संचार होता है, उसके माध्यम से वो हो गया। और जैसे जैसे भवानी का हुंका कम होता गया और हुंका कम होते होते पूरा ही बंद हो गया, तो सुखदेव जी महाराज को लगा, कथा वो भी सुन रहे थे, उनको लगा कि यार इतना अच्छा भगवान भोलेनाथ जी कथा श्रवण करा रहे हैं और भवानी तो सोने की ताक में है या सो रही है, अब अगर हमने हुंका नहीं दिया तो यह कथा खंडित हो जाएगी। तो तोता का एक बहुत विशिष्ट गुण होता है, तोता बहुत जल्दी आपको, आपके शब्दों को, आपकी भाषा को बिल्कुल बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता है। आप जो बोलोगे, आप गाली देना शुरू करते रहो घर में, धीरे धीरे करके वो भी गाली देगा। आप राम राम करोगे, वो राम राम करेगा। आप किसी को नाम से पुकारोगे, वो नाम से पुकारेगा। तो जब धीरे धीरे करके माता पार्वती के हुंकार बंद होते गए तो वो फिर उस सुख ने भी हुंकारी देना शुरू कर दिया। अब जब कथा पूर्ण हुई और भगवान ने बोला, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, हाँ हाँ, तो अब जगदम्बा की नींद खुली, बोले हाँ 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 महाराज, तो फिर क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ देवी, सब हो गया, कथा समाप्त हो गई, तो तुम सो गई थी क्या? तो बोले महाराज क्षमा चाहती हूँ, आधा प्रसंग हुआ था तो मैं इतनी भाव विभोर हो गई कि मुझे निद्रा आ गई। तो बोले अगर तुम सो गई थी तो यहाँ फिर ये हुंकारी कौन दे रहा था, मतलब हुंका कौन दे रहा था? बोले महाराज मुझे नहीं पता कौन दे रहा था। तो जब भगवान भोलेनाथ जी ने देखा ऊपर, तो बढ़िया बट वृक्ष पे ऐसे जैसे मिट्ठू बोलता है ना, ऐसे करके चिंकार रहा था, बोल रहा था, अरे तो बोले इसने कथा सुन ली। अब तो भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित हो गए, बोले बताइए इतना दिव्य अमृत इसने वैसे ही और पीछे से सुन रहा है, क्योंकि ये जैसे कथा व्यासपीठ की मर्यादा होती है कि कभी पीछे से कथा नहीं सुनी जाती। हाँ, पंडाल के अगर बाहर आप कहीं भी कथा सुन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी अवस्था में हो, गाड़ी पर बैठे हो, सो रहे हो, लेटे हो, पान खा रहे हो तो सुन सकते हो, परंतु एकदम पीछे बैठ के कथा नहीं सुनी जाती। और वो पीछे बैठ के सुन रहे थे, तो बोले एक तो बिना आज्ञा के सुन रहा है, अर्थात इसने चोरी की है, तो इतना दिव्य अमृत को ये चुराया, तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और त्रिशूल लेके उसके पीछे पीछे दौड़े। तो अब वो भागते भागते भोलेनाथ उसका पीछा कर रहे हैं, तो भगवान वेदव्यास की जो धर्म पत्नी थी वह ऋतुकाल पर्यंत शुद्ध अवस्था में भगवान का पूजन करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी और मुख खोल के भगवान का मंत्र उच्चारण कर रही थी। तो जब भगवान ने, सुखदेव जी भागे जा रहे थे तो उनको कुछ नहीं दिखा, तो सीधा जाके व्यास जी के पत्नी के उद्रस्त हो गए, मुखद्वार के द्वारा उद्रस्त हो गए। अब तो भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लिए बम बम करते हुए पीछे पड़े थे, तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ को आते देखा तो व्यास जी महाराज की उन पर दृष्टि पड़ी, तो व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया भोलेनाथ को, बोले कहाँ कहाँ भागे जा रहे भगवान भोलेनाथ? अरे बोले एक चोर का पीछा कर रहा हूँ। तो बोले भगवान चोर का पीछा कर रहे हो? बोले माफ करना भगवान, पहली बात तो जो चुराया जाए ऐसी आपके पास कोई साधन सामग्री सोना चांदी तो होता नहीं है, अरे ढंग का वस्त्र भी नहीं होता है, हाँ तो कोई चुराएगा क्या आखिर? भाई सांप बिच्छुओं को तो कोई चुराने से रहा, और आपके पास संसार में रहते हैं तो धन संपदा तो आपके पास वैसे भी नहीं है। तो बोले कि ऐसा क्या आपका चुरा लिया? अरे बोले भैया कुछ ऐसी वैसी चीज चुरा भी लेता तो कोई बात नहीं थी, इसने दिव्या की दिव्य हमारा कथा अमृत चुरा लिया है।
तो बोले इस कथा का प्रभाव क्या होता है? बोले इस कथा का प्रभाव ये होता है कि इस कथा का श्रवण करने के बाद में अमर कथा है, अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, फिर वो मरने वाला नहीं होता है। तो इतनी दिव्य कथा इसने चुरा के पी ली, पान कर ली। तो बोले महाराज भांग खा के आए हो क्या? अरे एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई यह अमर कथा है, इसको पीने के बाद आदमी मरता नहीं है, और आप त्रिशूल लेके इसके पीछे इसलिए पड़े हैं कि इसने अमर कथा पी ली है या सुन ली है, श्रवण कर ली है, तो अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। तो बोले हाँ भैया व्यास जी महाराज, ये तो तुम सही कह रहे हो, अब तो ये मरने वाला नहीं और मारना भी नहीं चाहिए। तो वही सुखदेव महाप्रभु 12 वर्ष तक भगवान व्यास जी की पत्नी के उदर में रहे। अब जब उनका जन्म नहीं हो रहा है तो उनकी माता को बड़ा कष्ट होने लगा। व्यास जी भी चिंतित हो गए, तो बोले कि आखिर जन्म क्यों नहीं लेता? तो बोले गर्भ से ही उन्होंने बोला कि देखो पिताजी, मैं इस संसार माया मोह में बिल्कुल फंसना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे भगवान की माया प्रभावित कर देगी, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहता। देखिए जब जीवात्मा माता के गर्भ में होता है उस समय उसको संपूर्ण जीवन का ज्ञान होता है, कैसे कैसे योनियों में उत्पन्न हुआ है, कैसी कैसी इस सकल संसार में कष्ट विघ्न बाधाओं को माया जाल से ग्रसित हो जाता है, सब उसको ज्ञान होता है। परंतु जैसे ही जन्म लेता है समस्त इस माया जंजाल उसको घेर लेती है, वह अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाता है। तो यह तो अमर कथा प्राप्त किए हुए हैं, इनको सब ज्ञान है, तो इसी कारण यह जन्म नहीं लेना चाहते। तो बोले कि देखो हम वचन देते हैं तुमको हमारी माया व्याप्त नहीं होगी। तब जाके श्री सुखदेव जी महाराज ने बोला, भगवान ने उनको आज्ञा दी कि आओ पुत्र, हमारी माया हम वचन देते हैं तुमको कदापि प्रभावित नहीं करेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। मिलती है जिंदगी